Hey, good morning. Welcome back to my channel. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो आज मॉर्निंग में बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ पास्ता और लंच। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी रखकर गरम कर दिया था पहले ही, और पानी गरम हो चुका है और इसमें मैंने डाला हुआ है 2 से 3 चम्मच ऑयल। और अब मैं डालने जा रही हूँ पास्ता। पास्ता में थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे लिए भी हो जाएगा तो और खाने के लिए भी हो जाएगा। तो ये रहा, मैंने डाल दिया पास्ता। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो जब तक यहाँ पे पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है तब तक ये इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है तो लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बटर नहीं डाल रही हूँ। तेल को करने देंगे गरम। तो अब मैं डालूंगी इसमें ये गार्लिक। मैंने यहाँ पे 6-7 कली गार्लिक लिया हुआ है जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया हुआ है, और साथ में मैंने हरी मिर्च डाली हुई है एक, और ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है। थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसको इसमें प्याज। इसमें मैंने एक प्याज काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा हुआ है, बस ऐसे फाइन चॉप किया हुआ है। तो इसको भी इसमें सौते कर लेंगे। बस थोड़ी देर तक हम इसको सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करना है क्योंकि पास्ता है ये। तो सौते करेंगे। तो अब डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर मैंने 2 डाला हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो मैं अब इसको डालूंगी ब्लैक पेपर, 1/2 छोटा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली, इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तो अब रेडी हो गया मसाला। तो इसमें अब हम डालेंगे पास्ता। तो इसमें मैं डालूंगी पास्ता। पास्ता मैं धीरे धीरे करके डालूंगी इसमें, क्योंकि पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे इसको दूसरी कढ़ाई में बिठा दिया हुआ है क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था बर्तन। तो मैं अब डालूंगी इसमें पास्ता मसाला। ये रहा, ये मैगी पास्ता मसाला है, तो मैं आज ये यूज करने वाली हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये हम डालेंगे इसमें पास्ता मसाला। ये ऑलमोस्ट पक चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस 2-3 मिनट के लिए अब हम इसको पकने देंगे। तो अब मैं डालूंगी इसमें चीज। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। वाओ, देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें स्प्रिंग अनियन। तो बच्चे का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी हो गया है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।